सुबह सारे दिया। आज महाषष्ठी है, आज मैं कोलकाता में हूँ और साउथ की तरफ हूँ, और आज वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ी तरीके से मनाया जाता है। खासकर कोलकाता में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरे हिंदुस्तान से बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं और इस फेस्टिवल को मिलजुल कर मनाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ साउथ की तरफ, और आज साउथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से बड़े बड़े पूजा है। तो चलिए मेरे साथ आज शुरू करते हैं साउथ कोलकाता का बिग पूजा। दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे ह्यूमैनिटी को, पूरे इंसानियत को एक करता है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग मिल करके इस फेस्टिवल को बड़े अच्छे से, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस फेस्टिवल में पूरे कोलकाता को बड़ा ही खूबसूरत से सजाया जाता है, पूरे लाइट से। आप अगर कभी भी यहाँ पर आओ इस फेस्टिवल में, तो आप वाकई कोलकाता बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और इसको करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा बिग पूजा यहाँ पर है, बिग पंडाल। चलिए चलते हैं। बालीगंज कल्चरल, दोस्तों ये पूजा पंडाल कोलकाता के टॉप 10 ट्रेंडिंग पूजा में शामिल है, और इस साल के जो थीम है वो है पोएम कविता। दोस्तों इस पूजा का थीम है बंगाल का फेमस तांतरी साड़ी। आप देख सकते हो कि पूरे पंडाल को तांत की साड़ी से डेकोरेट किया गया है।
নাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাশোর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাশোর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। মায়ের রূপে মন ভরে যায় প্রণাম জানা ওই রাঙা পায় করে ধুনচি দুহাতে নাচে রে এখন। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাশোর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। जवाब है, आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे पंडाल को सजाया गया है और ये बहुत ही अवॉर्डेड पंडाल भी है। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাশোর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। हिंदुस्तान पार्क, आप देख सकते हैं इसे केदारनाथ मंदिर की डिज़ाइन से बनाया गया है इस पंडाल को, और पाखो भी बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया है।
हिंदुस्तान को इस साल इस पेडल का थीम है नाउ। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ये पूरे पंडाल को नौ के नक्शे से बनाया गया है। ये ऊपर देखिए आपको नौ दिखेगा। इस पंडाल की थीम है राजस्थान का पपेट। इनका पिंडाल काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है। ये हमेशा से काफ़ी बड़ा पिंडाल बनाते हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फेस्टिवल में मतलब दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में कोलकाता ज़रूर आए और अपने आंखों से देखें कि यहाँ कोलकाता को कितनी खूबसूरत से सजाया जाता है। यहाँ के हर एक पंडाल कितनी खूबसूरत है और वाकई सिर्फ कपड़े लकड़ी और बाकी सारे से इस पूरे पंडाल को बनाया जाता है और आपको देख के लगेगा नहीं कि वाकई ये सिर्फ कपड़ा लकड़ी से बनाया गया और इतनी खूबसूरत है। तो आप ज़रूर आएँ।
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।